दोस्तों, सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में लगातार बना रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों का ही बसेरा रहता है। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख आए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इस परेशानी से निकलने का भी एक हल दुनिया को बताया है। उन्होंने 5 ऐसी बातें बताई है जिन्हें अपनाने से आप कभी दुखी नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं क्या है वो 5 बातें जिसकी मदद से आप अपने जीवन में आए बुरे समय को टाल सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं आचार्य चाणक्य की पहली बात। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना अपना सिर पत्थर पर मारने जैसा है। जो लोग मूर्ख हैं और दूसरों की बात नहीं समझते, उनसे ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोगों से ज्ञान की बात करने पर हमारा समय भी बर्बाद होता है और बिना वजह वाद विवाद बढ़ता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं। याद रखें, यदि आप जीवन में बुरा समय नहीं देखना चाहते तो किसी भी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश न दें। चलिए दूसरी बात जानते हैं। दोस्तों, याद रखें, कोई भी व्यक्ति कभी भी काम आ सकता है, इसीलिए हर व्यक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। विनम्रता से सभी कार्य संभव है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे सम्मान के साथ बात करें, तो आप भी दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं। और कहा भी जाता है, विनम्रता ही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ गुण है। जिस इंसान के पास यह गुण है वह मालामाल है। इसीलिए सभी के प्रति विनम्र रहे, जिससे हर कोई आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर। दोस्तों, ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन में एक अलग महत्व रखती है। इसीलिए हमेशा ईश्वर के आभारी रहें और प्रार्थना करते रहें। इससे हमें सफलता मिलती है और बुरे वक्त में साहस मिलता है। ईश्वर पर भरोसा और भक्ति आपको कभी हारने नहीं देती है। आप भक्ति से पुराने जन्म के कुकर्मों को टाल सकते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर पर भरोसा और भक्ति दोनों करनी चाहिए। चलिए अब चौथी बात जानते हैं आचार्य की। दोस्तों, आपका ज्ञान ही आपको दुखों से बचाता है। आप अपने ज्ञान के कारण ही समाज में इज्जत आते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को न सिर्फ अपने घर एवं परिवार में बल्कि बाहर भी सम्मान मिलता है। इसीलिए हमेशा ज्ञान की बातें, विचार और उपदेशों को महत्व दें और खुद को ज्ञानी बनने से कभी नहीं रोकें। हमेशा सीखते रहें। अपने ज्ञान के चलते आप बहुत तेजी से सफलता हासिल करते हैं और बुरे समय का सामना भी करते हैं। चलिए अब जानते हैं 5वीं और अंतिम बात। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने गरीबी से मुक्ति पाने के लिए दान करने को सबसे अच्छा उपाय बताया है। व्यक्ति को अपनी शक्ति के मुताबिक समय समय पर दान करते रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पुराने पाप धुल जाते हैं। दान करना पुण्य का काम है, इससे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दान करना एवं जरूरतमंदों की मदद करना आपके मन को शांति भी देता है। तो दोस्तों, ये है आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 5 बातें जिनका अनुसरण करने से आप बुरे से बुरे समय को भी टाल सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।